हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जसवंतपुरा में टीम ने 3 अवैध क्लिनिकों पर की कार्रवाई। एक और कोरोना संक्रमण के बीच चिकित्सा विभाग सहित प्रशासन जूझ रहा है, वहीं मौसमी बीमारियों के मरीजों के साथ झोला छाप डॉक्टर भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रविवार को कस्बे के 3 क्लिनिकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। झोला छापों के विरुद्ध गठित खंड स्तरीय टीम द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। तहसीलदार हीरा राम कुलदीप की अध्यक्षता में थाना अधिकारी मनीषा सोनी, BCMO डॉक्टर दिलीप सिंह एवं खंड लेखाकार युवराज पारे की उपस्थिति में कार्रवाई की गई, जहां रेवदर रोड पर चलाए जा रहे अवैध क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। वहीं कलापुरा चौराहा पर स्थित गुजरात हॉस्पिटल के नाम पर आमजन के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरुद्ध टीम द्वारा दबिश दी गई। इस दौरान कस्बे के एक रहवासी मकान में इलाज के नाम पर की जा रही अवैध एलोपैथिक प्रैक्टिस की टीम को जानकारी मिली, लेकिन उक्त झोला छाप को कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया, जहां मरीजों के अवैध उपचार के दौरान उपयोग में ली जा रही दवाई को टीम ने जब्त की। तहसीलदार कुलदीप ने बताया कि अवैध क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई में प्रकरण बनाया गया है। जागरूक टीवी की जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।